हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल स्मार्टफोन लवर्स में। मेरा नाम है प्रभात और आज मैं बात करूंगा आपसे नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा तनाव है और हमारे देश के कई सैनिक वहाँ पर मारे भी गए हैं, है ना। तो बताना चाहूँगा, अगर हमारे सैनिक वहाँ पर अगर बुलेट से जवाब दे सकते हैं तो हम भी यहाँ पर अपने वॉलेट से जवाब दे सकते हैं। नहीं समझे, मेरा मतलब है कि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें, अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट के बायकॉट कर दें तो उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा चाइना में। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में बताऊँगा। ओके दोस्तों, और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्मार्टफोन अगर बिल्कुल पूरी तरीके से तो चाइना के प्रोडक्ट के बायकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ पार्ट तो चाइना का होता है ना। तो पूरी तरह से बायकॉट तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना तो हमें करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास पहले से स्मार्टफोन वगैरह है या कोई प्रोडक्ट है तो हम उसे तोड़ दें या फेंक दें, उसके वो नहीं कहने का मतलब है। मेरे कहने का मतलब है अगर हम आगे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो चाइना का ना खरीदें, ठीक है। और लेकिन आज मैं यहाँ पर स्मार्टफोन की बात करूँगा, ठीक है। कई लोगों का ये कहना होता है कि मतलब ज़्यादातर मार्केट तो इंडिया में चाइना ने कवर कर रखा है। ओप्पो, वीवो, रियलमी और भी काफ़ी सारे हैं, शाओमी और वन प्लस वगैरह, जिन्होंने कि काफ़ी अच्छा मार्केट कवर किया हुआ है इंडिया में, ठीक है। अगर आप इन मोबाइल्स को नहीं रहते हैं, इन स्मार्टफोन को नहीं लेते हैं, तो उसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो आज मैं आपको बताऊँगा कि इनके अलावा भी काफ़ी स्मार्टफोन है जो कि आप ले सकते हैं चाइनीज मोबाइल की जगह पर, ठीक है। लेकिन बताना चाहूँगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये ना तो इंडियन है ना तो चाइनीज है। इंडिया का तो आपको मालूम है, जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, कार्बन हो गया, ये तो बिल्कुल ही मार्केट से गायब हो चुके हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल मार्केट से गायब हो चुके हैं। तो आज मैं यहाँ पर ऐसे स्मार्टफोन की बात करूँगा जो ना चाइनीज है ना इंडियन है, लेकिन हाँ आपको प्रिफर करना चाहिए, आप देख सकते हैं और इनके साथ जा सकते हैं। ओके दोस्तों, और बताना चाहूँगा कि जो हमारी लिस्ट में से वो पहला नाम आता है वो है सैमसंग। सैमसंग इसलिए क्योंकि ये दोस्तों साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग के भी काफ़ी स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं। और बताना चाहूँगा कि सैमसंग की जो एम सीरीज है और गैलेक्सी सीरीज है, इनके स्मार्टफोन आप प्रीफर कर सकते हैं। ये आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग हर तरीके के स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे इसमें। जी हाँ, इसलिए आप सैमसंग के साथ जाना चाहें तो सैमसंग खरीद जा सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरी लिस्ट में मैंने रखा है वो है एलजी। जी हाँ, एलजी, ये इसलिए क्योंकि ये भी साउथ कोरिया कंपनी है और इसके जो क्यू और डब्ल्यू सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो आप खरीद सकते हैं। क्यू और डब्ल्यू सीरीज काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है और आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप ये फ़ोन ले सकते हैं। जी हाँ, और जो थर्ड नंबर पर मैंने रखा है वो है नोकिया। जी हाँ, नोकिया, नोकिया जो अभी HMD ग्लोबर जो उसे हैंडल कर रही है, और ये HMD ग्लोबर ये फिनलैंड की कंपनी है। ओके, तो बताना चाहूँगा नोकिया के भी साथ आप जा सकते हैं। और जो चौथे नंबर पे जो मैं आपको कंपनी बताने जा रहा हूँ वो है एसएस। एसएस इसलिए क्योंकि ये ताइवान की कंपनी है, लेकिन इस एसएस के भी आपके आपको स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसकी जो जेन फोन सीरीज है ना वो आप स्मार्टफोन चेक कीजिएगा, काफ़ी अच्छे मिलेंगे और आप आराम से अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसके बाद बताना चाहूँगा दोस्तों आप ब्लैकबेरी। जी हाँ, ब्लैकबेरी के अभी साथ जा सकते हैं। ब्लैकबेरी एक कैनेडियन कंपनी है, अगर आप चाहें तो इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। जी हाँ, और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल। जी हाँ बिल्कुल, गूगल, गूगल की जो पिक्सल के स्मार्टफोन है वो आप ले सकते हैं और जो कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हरी सभी चीज़ें इसमें अच्छी मिलेंगी आपको। और इसके बाद जो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा वो है एप्पल आईफोन। जी हाँ, एप्पल का तो बारे में आपको पता ही होगा, कोई भी ले लीजिए एप्पल के तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन वही है एप्पल से स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब एप्पल तो स्टैंडर्ड के लिए होता है। अगर आप एप्पल भी लेना चाहें आईफोन वगैरह तो उसके साथ भी जा सकते हैं, ये भी अमेरिका कंपनी है। गूगल और एप्पल दोनों अमेरिका की हैं, तो आप इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन इसमें सभी स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ पार्ट तो चाइना का होता है, लेकिन पूरी तरीके से बायकॉट नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके हम बायकॉट कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना तो हमें करना चाहिए। ओके दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने स्मार्टफोन फेंक दीजिए, वो नहीं, ठीक है। और बताना चाहूँगा कि लेकिन हाँ, जो हमें आगे अगर स्मार्टफोन लेना है तो उसके लिए बताना चाहूँगा वो हमें चाइनीज नहीं लेना है। जी हाँ,
और बताना चाहूँगा, अगर आप इन स्मार्टफोन को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं फीचर्स और स्पेसिफिकेशन वगैरह, वो मैंने लिस्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ पर जाके इन सभी स्मार्टफोन को चेक कर सकते हैं और अपनी बजट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। जी हाँ, और बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, और आज के वीडियो में क्या बताऊँ, आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।